मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे अच्छी करूं? स्टूडेंट, मुझे अपनी आइडिया और विचार दूसरों को बताने में दिक्कत होती है, मैं नर्वस हो जाता हूं, मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे अच्छी करूं? टीचर, पहले तुम्हें यह समझना होगा कि हमारी किसी से वर्बली कम्युनिकेट करने की कैपेसिटी डायरेक्टली हमारे थॉट्स को क्लियरली स्ट्रक्चर करने की कैपेसिटी से कनेक्टेड होती है, और उसे हम लिखकर सही कर अच्छा कर सकते हैं। स्टूडेंट, राइटिंग, प्लीज, मैं एक राइटर नहीं हूं, ना ही मुझे एक राइटर बनने में कोई इंटरेस्ट है, मुझे लिखना बिल्कुल भी नहीं पसंद। टीचर, मेरी बात सुनो, राइटिंग इंसानों का सबसे बड़ा स्लोएस्ट एक्सप्रेशन है। हम बहुत जल्दबाजी में सोचते हैं और हम कई बार बहुत जल्दबाजी में बोल भी देते हैं। राइटिंग कभी भी उस स्पीड को मैच नहीं कर सकती। इस वजह से राइटिंग इतनी ज्यादा इफेक्टिव होती है। जब हम लिख रहे होते हैं तब हम हमारे ब्रेन को ट्रैक करते हैं कि वो हमारे सारे थॉट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट थॉट्स को चुने। इस प्रोसेस से हम हमारे थॉट्स को कंट्रोल कर पाते हैं और उन्हें अच्छे से स्ट्रक्चर कर पाते हैं। इसीलिए जब हम लिखते हैं तब हम हमारे ब्रेन को कहते हैं कि ये थॉट सबसे इंपॉर्टेंट है और मुझे इसे लिखना है। स्टूडेंट, अच्छा, अब मुझे समझ आया। क्या कुछ मिनिमम अमाउंट है जितना मुझे लिखना चाहिए जब भी मैं लिखूं, और मुझे किस बारे में लिखना चाहिए? टीचर, तुम रोज लिखो। स्टार्टिंग में तुम सिर्फ एक पेज लिखो। तुम्हें शुरुआत में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तुम किसी भी चीज के बारे में लिख सकते हो। तुम्हें सिर्फ एक चीज करनी है कि तुम जिस भी चीज के बारे में लिखो उसका एक कंक्लूजन निकालो। जब भी तुम लिख रहे हो तब उसे इस तरीके से एंड करो कि इससे मुझे ये समझ में आता है कि जब तुम कंक्लूजन निकालोगे तब तुम्हें क्लियरली सारी चीजें समझ आएंगी। रोज लिखना सिर्फ राइटर्स के लिए ही नहीं होता, ये उन लोगों के लिए भी है जो खुद को एक अच्छा कम्युनिकेटर बनाना चाहते हैं, जो अपने थॉट्स को अच्छे से एक्सप्रेस करना चाहते हैं। स्टूडेंट, ऐसा क्या? टीचर, जब तुम लिखना शुरू करोगे तब तुम्हारे थॉट्स इधर उधर से बहुत सारे आ रहे होंगे, और अगर तुम वैसे ही लिखना खत्म कर दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। एंडिंग का सेंटेंस तुम्हें कंक्लूजन बनाने के लिए ट्रेन करेगा। तुम इस सेम प्रोसेस को वर्बल कम्युनिकेशन के तौर पर इमेजिन करो। तुम बोलते वक्त एक कंक्लूजन निकाल लोगे, आखिर में तुम यही तो चाहते हो ना? स्टूडेंट, हाँ बिल्कुल, लेकिन सिर्फ लिखने से मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बन सकता ना? टीचर, ये एक जरूरी स्टेप है, लेकिन सिर्फ एक लौता स्टेप नहीं है। लिखने के बाद अगला स्टेप होगा बोलना। लिखते समय तुम्हारे थॉट्स एक क्लियर स्ट्रक्चर में बनना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी उन थॉट्स में तुम्हारी आवाज और तुम्हारे इमोशंस बचे हुए हैं। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस देता हूं कि वो बोलते हुए अपनी एक मिनट की वीडियो 90 दिनों तक बनाएं। इन वीडियोस को बार बार देखें और उसको समझें कि तुम कहां पर गलती कर रहे हो, तुम्हें किस चीज को सुधारने की जरूरत है, और फिर अगले दिन उन गलतियों को सही करो और फिर से वीडियो बनाओ। स्टूडेंट, ये बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे तो ये एक मुश्किल काम लगता है, पर दिन में सिर्फ एक मिनट की वीडियो बनाना तो अच्छा है। क्या सही में इससे कुछ हेल्प हो पाएगी? टीचर, तुम अगर कोई भी चीज कंसिस्टेंटली करोगे तो तुम्हें जरूर रिजल्ट दिखाई देगा। मेरा एक स्टूडेंट था, उसने मेरी एक एडवाइस को इतना अच्छे से फॉलो किया कि उसने 365 दिन के लिए रोज एक वीडियो बनाया। तुम अगर उसकी 365वें दिन पर बनाए गए वीडियो को देखोगे और फिर पहली वीडियो को देखोगे तो तुम उसे पहचान भी नहीं पाओगे। सिर्फ एक साल, इतने सालों की जिंदगी सिर्फ एक साल में बदली जा सकती है, यही प्रैक्टिस करने की ब्यूटी है। स्टूडेंट, मैं भी उसके जैसा बनना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों में। टीचर, तुम भी जरूर बेहतर बन जाओगे, लेकिन एक दिन में नहीं। मैं चाहता हूं कि जब तुम प्रैक्टिस करो तब तुम उन स्पीकर्स को ऑब्जर्व करो जो तुम्हें अच्छे लगते हैं, उनके वीडियोस देखो, उनके बोलने के तरीके को समझो। तुम उन सारी चीजों को नोट्स बनाओ जो तुम्हें उन्हें देखकर समझ में आ रही है, वो किस तरीके से बोल रहे हैं, वो किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, और उन्हें समझने की कोशिश करो। जब तुम ये कर लोगे उसके बाद तुम खुद से ये सवाल करो कि मैं ये इमोशंस खुद के कॉन्वर्सेशन स्किल्स में कैसे ला सकता हूं। स्टूडेंट, तो फिर ये तो कॉपी करना हुआ ना? अच्छा, ये आइडिया तो मुझे पसंद आया। मैंने बहुत सारे कम्युनिकेटर्स को देखकर ये समझा है कि कॉन्फिडेंस सिर्फ उनकी बातों में ही नहीं दिखता, वो बैठते भी हैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। वो बोलते वक्त अपने हाथों से या बालों से खेलते नहीं, और वो अपने पैर ज्यादा नहीं हिलाते,
क्या ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं? टीचर? हाँ बिल्कुल, जब लोग अपने हाथ फोल्ड करके बैठते हैं तब उससे ये समझ में आता है कि वो सुनने के लिए राजी नहीं है और सिर्फ अपनी ही बात बताना चाहते हैं। पैरों को बार बार हिलाने से ये पता चलता है कि वो इंसान नर्वस है। हम जो भी करते हैं वो सब चीजें हमारे बारे में बताती हैं। क्या तुम्हें पता है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की 55% है और हम किस तरीके से बोल रहे हैं वो 38% और हमारे वर्ड्स सिर्फ 7%? स्टूडेंट, अच्छा, इसीलिए जब कोई सेम चीज अलग लोग बोलते हैं तब हमारे ऊपर उसका प्रभाव अलग पड़ता है। टीचर? हाँ बिल्कुल, और आज के जमाने में तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा ज्यादातर कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए होता है जहां पर हम एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को नहीं देख पाते। इस वजह से हम किन वर्ड्स का यूज लेते हैं और उन्हें किस तरीके से अपनी बात में रखते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज में बेहतर बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता है पढ़ना। तुम जितनी ज्यादा रीडिंग करोगे उतना ही तुम्हारा माइंड स्मार्ट बनता जाएगा और वो सेंटेंसेस और वर्ड्स को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करना सीख लेगा। स्टूडेंट, तो फिर राइटिंग और रीडिंग दोनों एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर तो लगता है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। टीचर, अभी तक तो तुमने सबसे मुश्किल पार्ट सुना ही नहीं। स्टूडेंट, सॉरी मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूं। मैं ये पूछ रहा था कि मैं बॉडी लैंग्वेज की स्किल्स कहां से सीखूं? टीचर, कम्युनिकेशन का सबसे हार्ड पार्ट लिसनिंग होता है। स्टूडेंट, सॉरी मैं समझा नहीं। टीचर, कम्युनिकेशन का सबसे मुश्किल पार्ट होता है सुनना, जो चीज तुम इस वक्त नहीं कर रहे हो क्योंकि ये आसान नहीं। हम हमेशा वापस जवाब देने के लिए बात को सुनते हैं ना कि उसको अच्छे से समझने के लिए, और इस वजह से हम एक इम्पेशेंट कम्युनिकेटर बनते हैं। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी से बात कर रहे हो और तुमने कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही हो लेकिन तुम्हें बदले में जवाब कुछ और ही बात से मिला हो और फिर तुम सोच रहे हो कि क्या अगला मेरी बात सुन भी रहा था या नहीं? स्टूडेंट, हाँ ऐसा तो बहुत बार हुआ है। टीचर, तुम्हें अब समझ में आया कि ये कितना इंपॉर्टेंट है? स्टूडेंट, हाँ मुझे अब समझ में आया कि एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए हमें सिर्फ फ्लुएंट इंग्लिश और कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए बल्कि हमें सामने वाले के इमोशंस को समझना होगा जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हो। टीचर, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो लेकिन ध्यान में रखना कि तुम नॉलेज और प्रैक्टिस की पावर को नजरअंदाज ना कर दो। ये सारी चीजें एक वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें प्रैक्टिस करने के बाद भी लोग एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन पाते क्योंकि वो सामने वाले की बात को अच्छे से समझते ही नहीं। स्टूडेंट, थैंक यू टीचर, अब मुझे सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई हैं और मैं आपकी बात बीच में काटने के लिए आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं उस वक्त आपकी बात सुन ही नहीं रहा था। आपसे मैं इन चीजों का ध्यान रखूंगा।